क्या ही बात है। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग जा रहे हैं इंडिया का सेलिब्रेशन करने, जो कि T20 मैच हम जीत चुके हैं हमारी बहुत ही बेहतरीन टीम के साथ रोहित शर्मा की कप्तानी में। तो आज हम वहीं जा रहे हैं, मरीन लाइन होते हुए जाएंगे। अगर वानखेड़े स्टेडियम में मिल गया जगह तो वहाँ पर भी जाएंगे क्योंकि फ्री है। तो विनोद भाई चलते हैं, आज जाते हैं, आप इंजॉय करेंगे आज वहाँ, फुल इंजॉयमेंट, फुल इंजॉयमेंट। चलो चलते हैं, वहीं मिलते हैं फटाफट से। जाने को मिल रहा है, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि क्राउड बहुत ज़्यादा है, क्राउड बहुत ज़्यादा है। थोड़ा माने एक अच्छा फ्यूचर हिस्ट्री बनाएंगे हम लोग, एक मतलब एक मेमोरी बनाएंगे। तो चले चलते हैं, मिलते हैं, पूरा नहीं आते। ओके, तो प्रभा देवी स्टेशन पहुँच गए भाई, अभी हम प्रभा देवी से यहाँ से लेंगे, यहाँ से हम लोग पकड़ेंगे। तो विनोद भाई कैसा लग रहा है, इतनी पब्लिक है, इतनी पब्लिक में तुम आप क्या देखने आए हैं यहाँ पे? हम लोग क्रिकेट का सेलिब्रेशन करने आए हैं, हम लोग यहाँ पे सेलिब्रेशन करने आए हैं। सेलिब्रेशन के पहले हमने देख लिया कि यहाँ पे जो है नकली सही, लेकिन एक बहुत बढ़िया ट्रॉफी देखी, बाकी चारों तरफ माहौल ऐसा है कि तिरंगा झंडा हर तरफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक एक गर्व की बात है। T20 वर्ल्ड कप हमारे देश आ गया है रोहित शर्मा की कप्तानी में, है ना। और हम नज़दीक पहुंच चुके हैं स्टेडियम के, तो स्टेडियम में अब जाने की गुंजाइश तो नहीं लगती क्योंकि आज फ्री है पूरे स्टेडियम में, अंदर जाने के लिए कोई टिकट्स नहीं है, तो मुश्किल ही लगता है। लेकिन हम लोग कोशिश जरूर करेंगे, अंदर जाके देखेंगे क्या माहौल है, अंदर जाने मिलता भी है कि नहीं मिलता, है ना। तो यहाँ पे टी शर्ट्स वगैरह मिल रही है क्या, ये बिजनेस चालू है कि फ्री में दे रहे हैं यार? यहाँ पे पे करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा फिर मिलेगा। हर जगह देखिए झंडे मिल रहे हैं, और सीधा सीधा निकलेंगे फटाफट। स्टेडियम ज़्यादा दूर अब नहीं रह गया, स्टेडियम यहीं पे है, ये स्टेडियम है। और काफ़ी शोर आ रहा है, शोर इतना ज़्यादा है कि यहीं से सुनाई दे रहा है, ढोल ताशे बज रहे हैं। और ये लाइन से देखिए क्या ही उत्सव है, एकदम एक मतलब त्यौहार से भी ज़्यादा मैं बोल सकता हूँ। तो हर कोई खुश नज़र आ रहा है इस रोड में, ये मरीन लाइन के बाहर का रोड है और काफ़ी हद तक पहुंच गए हैं नज़दीक। हर कोई देखिए, ये एक इंसिडेंस है जहां पे इस तरीके से लोग कर रहे हैं सेलिब्रेशन। तो अभी हम लोग स्टेडियम चलेंगे, ठीक है, अभी स्टेडियम चलेंगे, अभी यहां से काफ़ी सारे लोग हैं बहुत आगे, लेकिन अगर जाने मिलेगा तो हम लोग सीधा निकलेंगे यहां से। कोशिश तो हमारी यही रहेगी पूरी तरीके से फुल कि हम लोग पहुंच जाएं कैसे भी करके आगे। बहुत ज़्यादा क्राउड है भाई, रस ये पीछे इसके समंदर है मरीन लाइन का, जो कि आज की डेट में नहीं दिख रहा है क्योंकि फोकस आज कहीं और है, ये स्टेडियम के ऊपर। हर कोई ये
एक अलग मज़ा है जो कि इस पूरे साल में शायद अब सिर्फ T20 के टाइम पे ही मिल पाएगा, जो कि हमने ले लिया है। तो तारिक भाई गर्दी देख के लग रहा है कभी पहुंचेंगे। यहाँ पे हो रहा है सेलिब्रेशन और बेहतरीन नज़ारा देखने को मिलने वाला है। विनोद भाई तो ऐसा लग रहा है, विनोद भाई बहुत हद तक पहुँच चुके हैं क्राउड के बीच में। हम लोग छोटी बड़ी ट्रैफिक भाई हर जगह देखने को मिल रही हैं। क्या ही बात है, क्या ही बात है भाई। अब गाड़ी आएगी तो कर दो। गर्दी इतनी ज्यादा है कि आज आज